नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों, दो लाइव अपडेट्स के बाद, काफ़ी ज़्यादा आंधी तूफान इन सभी चीज़ों के बाद, अब मैं अपने गार्डन का फाइनल अपडेट आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस किस पौधे को कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या बचा है। तो ये पपीते का पौधा आप देख पा रहे हैं, ये थोड़ी मिट्टी इसकी सूख जाए तो मैं इसे फिर से खड़ा करने की कोशिश करूँगा और देखते हैं कि बचता है या नहीं बचता है। काफ़ी अच्छा हेल्दी पौधा जा रहा था ये। और इधर मैं दिखाऊं तो आपको ये देखिए एक और पपीते का पौधा है, सपोर्ट देने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी थी तो ये भी उखड़ गया है। केले का पौधा ड्रम में लगा हुआ था तो उखड़ा तो नहीं है, पर ये देखिए थोड़ा सा झुक सा गया है, तो ये तो सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम थोड़ा सपोर्ट देंगे और सपोर्ट दे के फिर से खड़ा कर लेंगे। इधर ये देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज इसकी नुकसान हुई हैं। ये सहतूत का पौधा है और पूरी तरह से झुक गया था, तो बारिश अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए हमने इसे इस वायर की मदद से बांध रखा था इसमें, लेकिन आंधी और तूफान, हवा इतनी तेज़ थी कि ये सब नीचे की तरफ गिर गया है। और अब चलते हैं देखने इधर हमारे अमरूद के पौधे में क्या अपडेट है उसका, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी ढेर सारी फ्रूटिंग है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी फ्रूटिंग है इसमें, तो कुछ फ्रूट्स इसमें से गिर गए हैं इस तूफान के चक्कर में, और काफ़ी हद तक फ्रूट्स अभी सरवाइव कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ठीक है, इसका अपडेट मुझे ऐसा लगता है कि कुछ खास नुकसान इसको नहीं हुआ है। और इधर इसके अलावा ये देखिए, ये चीकू का पौधा है और इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, लेकिन वो सारे के सारे फ्लावर्स मोस्टली झड़ चुके हैं, गिर चुके हैं, कुछ ही बचे हैं जो आपको इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। वरना अभी तक मैं बताऊं आपको, इससे पहले की अपडेट में सारे के सारे टिप्स पे सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे थे, तो ये नुकसान हुआ है भारी नुकसान की जितने फ्लावर्स थे सब के सब गिर गए, ड्रॉप हो गए हैं इस तेज आंधी में। इसके अलावा इसकी रूट्स में, मिट्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो अभी तक के नुकसान में सिर्फ मुझे पपीते का ये दो पौधा है ये जो नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं तो मैं आपको और भी फ्रूट प्लांट्स हैं जो दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए, ये अनार का पौधा है और इसे भी हमने बांस की मदद से खड़ा कर रखा था, और इसमें देखिए आप अनार लग भी रहे हैं और बहुत सारी फ्लॉरिंग भी है, कुछ छोटे अनार इधर बन रहे हैं, तो कुछ अनार तो काफ़ी सारे बन रहे हैं और फ्लॉरिंग भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये पौधा इस तूफान को झेल नहीं पाया और इसको हमें खड़ा करना पड़ेगा फिर से। तो वापस से इसे थोड़ी मिट्टी ड्राई हो जाए तो हम इसे फिर से खड़ा कर लेंगे, और ये इसे डैमेज नहीं होगा कोई भी, ये अच्छे से अपने आप को रिकवर कर लेगा इस तूफान के बाद से। तो देख रहे हैं, इसे थोड़ा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। आप अनार देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में लग रहा है इसमें, तो ये तो ठीक है। इसके अलावा ये गमला था हमारा जो ऊपर से काफ़ी तेज़ आंधी में नीचे गिर गया था, ये देखिए हमने ये लकड़ी का वो बनवा रखा है, बांस का इसके ऊपर रख रखा है ताकि ड्रेनेज सिस्टम छत पे जो है पानी ना लगे, तो इससे नीचे गिर गया था और गिर के ये इस नींबू पे आ गया था। इसमें कुछ नींबूज लगे हुए थे, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नींबू लगे हुए हैं, तो कुछ टूट गए, बिखर गए और कुछ इसकी ब्रांचेज टूट गई हैं इसकी, और इधर फिर हमारे जामुन की और अमरूद की। इसके गिरने की वजह से, आंधी तूफान से तो नहीं, लेकिन इसके गिरने की वजह से पौधे के इधर कुछ नुकसान हुआ है, पर इस पौधे में कोई नुकसान नहीं आया है और इसमें फूल बन रहे हैं, फल भी जल्दी ही आएंगे। तो ये नुकसान है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, थोड़ी वेजिटेबल्स मेरी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गई हैं। इधर देखिए, ये पालक जो काफ़ी तेज़ आंधी चलती है और जितने पत्ते हैं सब के सब ज़मीन पर गिर गए हैं। अब ये उम्मीद करते हैं कि थोड़ा मौसम खिलेगा तो ये सारे पत्ते फिर से हरे भरे दिखेंगे। और ये सीडलिंग्स जो मैंने आप लोगों को अपडेट दिखाया था, तो सीडलिंग्स तो काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, इनमें कोई नुकसान दिख नहीं रहा है मुझे, तो ये खुदा का शुक्र है कि अच्छा रह गया है, मेहनत हमारी काम आएगी। और इधर ये भिंडी जो पूरी तरह से गिर चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये फिर से वापस सही हो जाएंगी, ये थोड़ी सी धूप मिलेगी इन्हें, भिंडी वापस से उठ खड़ी होगी, और फिर थोड़ी सी हमें इनमें जो इनकी रूट्स हैं, जहाँ स्टेम्स हैं, वहाँ मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये भिंडी हमारी सही से फिर से खड़ी हो जाएंगी। और फिर इसमें अभी देखिए धीरे धीरे
फ्लावरिंग स्टेज पे हमारी भिंडी जा रही है, तो जल्दी इसमें फल भी बनने लगेंगे। इसके अलावा मैं बैगन दिखाऊं तो बैगन ये देखिए मेरा काफ़ी पुराना पौधा है और पूरी तरह से गिरने के बाद जैसे ही बारिश बंद हुई फिर से वापस से ये मजबूत खड़ा हो चुका है। तो ये पिछले साल का पौधा है, इसे हमने प्रून करके फिर से वापस से हरा भरा किया है और इसमें फ्लावरिंग तो स्टार्ट हो गई है। अब देखते हैं फल कब तक बनता है। अब आते हैं मेजर नुकसान की तरफ। जो हमारा मेजर नुकसान हुआ है वो इधर करेली, लौकी और लोबिया हमने लगा रखा था और ये सारे के सारे स्टेम्स देखिए आप जैसा नज़ारा देख पा रहे होंगे सब बिखर गए हैं, टूट गए हैं। तो अब हमें इन्हें निकालना पड़ेगा क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं वहाँ से टूटे हुए हैं ज़्यादातर, तो इनमें फिर अब ऊपर कोई ग्रोथ नज़र आएगी नहीं। देखिए कितने सारे करेले लगे हुए हैं, तो ये नुकसान है मेरा। तो अब इन्हें निकाल के फिर हमें जो रेनी सीजन वेजिटेबल्स हैं उनकी ग्रोइंग स्टार्ट करनी पड़ेंगी। देखते हैं कुछ एकाध पौधे अगर बच सकते हैं तो उन्हें बचाएंगे। तो ये देखिए ये पत्ते सारे टूट टूट के इधर उधर बिखर गए हैं। तो ये दोस्तों इधर भी हमने भिंडी लगा रखी है तो ये भी सारे गिर गए हैं, पर कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे धूप थोड़ी मिलेगी मिट्टी हार्ड होगी तो ये फिर से फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपने आप को फिर से मजबूत करेंगे और खड़े हो जाएंगे। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है, मिट्टी भी जो पौधे गर्मी से तबाह थे परेशान थे उनके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। ये बारिश होनी ज़रूरी थी, पर कुछ अच्छी चीज़ें होती तो कुछ नुकसान भी होता है, कुछ गलत भी होता है। तो थोड़ा अच्छा हुआ है, थोड़ा फ़ायदा हो रहा है हमारे पौधों को, लेकिन थोड़ी बहुत नुकसान भी हमें देखने को मिल रही है। पर इस साइड के जो मेरे पौधे रखे हुए हैं दूसरी साइड से, इन पौधों में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। इधर आप देख के पता भी नहीं कर पाएंगे कि बारिश और आंधी आई हुई है, क्योंकि इधर देखिए आप इधर से वॉल है और इस वॉल से ये छिपे हुए हैं, ढके हुए हैं दो तरफ से, तो हवा का जो बहाव है वो काफ़ी तेज़ इन पर नहीं आता है, बहुत ही स्लो आता है। तो दोस्तों मैं दो चीज़ें आपको बताऊँ कि आप जो है अगर अभी तक आपके यहाँ आंधी तूफान नहीं आई है तो उससे प्रिवेंट होने के लिए जो आपके कमज़ोर पौधे हों उन्हें इस प्रकार बांस की मदद से, स्ट्रांग बांस हो, ये चूँकि कमज़ोर है गुलाब के पौधे हमने लगा रखा है, मजबूत बांस से आप बांध के उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं ताकि वो इस प्रकार मेरे पौधों की तरह गिरे नहीं, ख़राब ना हो। और दूसरी चीज़ कि अगर बारिश अब लगातार स्टार्ट हो जाएगी तो आपके पास जो मिट्टी पुरानी बची हो उन्हें आप सुखा लें धूप में और बारिश के सीज़न के लिए तैयार कर लें, क्योंकि जब बारिश एक बार स्टार्ट हो जाएगी फिर आप ये काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ टिप्स हैं और मिट्टी को जितना अच्छा हो सके उतना ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखिए, क्योंकि बारिश का पानी अगर रुकने लगता है तो पौधे वहाँ से भी फंगस लगने लगते हैं, बीमारियाँ पैदा होती हैं। और हर बारिश के बाद एक फोलियर स्प्रे फंगिसाइड का ज़रूर करें अपने पौधों पर, क्योंकि बारिश का जितना फ़ायदा होता है उतना ही फंगस और पेस्ट के अटैक के लिए भी नुकसानदायक होता है। तो ये कुछ टिप्स थे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई सुझाव हो, शिकायत हो तो ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।